जय कान बेटे, आपका बहुत कुछ ठीक है रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। आज बेटे सिलेबस में बात करूं, पैसेज आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पैसेज के ऊपर हो सकते हैं आपके। पैराजंबल्स के क्वेश्चन एक आध आ सकते हैं। पैराजंबल्स माने होता है रीअरेंजमेंट, PQRS वाले क्वेश्चन इन्हें कहा जाता है ना, PQRS वाले क्वेश्चन इन्हें कहा जाता है, ये आपके पास आ सकते हैं। क्लोज टेस्ट की बात करूं तो क्लोज टेस्ट क्या होंगे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये बेटे पैराग्राफ बेस्ड फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ठीक है। हालांकि हम प्रैक्टिस इनकी कर लेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेज ना दे के क्लोज टेस्ट दे दे, क्या पता बहुत सिंपल सिंपल सा, तो हम तीनों की प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक। बात आगे बढ़ाते हैं, वोकैबुलरी की बात करेंगे तो भाई हमारे पास आ जाता है इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स और फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। आज जय काम MTS में आते हैं, क्लोज टेस्ट तो एक बार हम दोनों कर लेंगे ताकि सारे कर लेंगे ताकि जिसको जो सूटेबल लगे उस हिसाब से अपना वो देखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है ठीक। अब देखो बात आगे बढ़ाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, एडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग से क्वेश्चन हो गया और फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन हो गया, ये आपके वोकैबुलरी के पार्ट्स में से आएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स और फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चंस ठीक है। अगला आपके पास पार्ट आ गया ग्रामर का, स्पॉटिंग एरर्स, कुछ क्वेश्चन एरर के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन, नरेशन के क्वेश्चन ये आपके पास हो सकते हैं ठीक। ठीक मैं बोलूं तो थोड़ा सा यस नो कुछ ना कुछ आपको मैसेज करते रहना है ठीक है। अच्छा देव और साहिल कुमार, प्रीति यादव, मोर में जाना है, मोर में जाके चैट ऑप्शन ओपन करना है, चैट में आपको एवरीवन का ऑप्शन हटा के आपको मैसेज करना है चैट फैकल्टी पे। तो प्रीति मैसेज करिए और देव मैसेज करिए, साहिल कुमार मैसेज करिए ठीक है, ताकि ये लग जाए सिस्टम, आपको सारा पता चल जाए कि हाँ कैसे करना है क्या करना है राइट बेटे ठीक। चलिए हाँ जी देव बेटे आपका मैसेज आ गया, हाय का ठीक है वेरी गुड। प्रीति यादव एंड साहिल कुमार का मैसेज भी आ गया, हेलो सर ठीक है। सो आप सबका पार्ट अंग्रेजी का ही रहेगा ना, कंफर्म है आपको क्लैरिटी है इसको लेकर के अच्छे से दिमाग में आपके बेटे, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को ना। तो चलो हमारे पास आ गया स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आपके पास आ गए। बात आगे बढ़ाते हैं, 3 सेंटेंस आपके सामने दिया गया है। अच्छा ये जो तीनों सेक्शन मैंने आपको बताया, पैसेज या पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर ये सोचे कि हम छोड़ एक आध सेक्शन छोड़ देंगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना, तीनों सेक्शन को बढ़िया करके चलना है। आपको वोकैबुलरी के लिए मान के चलिए कि 5000 प्लस वर्ड्स आने चाहिए और 3000 तो मैं क्लास में आपको एक महीने में करा दूंगा, नहीं 2 महीने में करा दूंगा, टू मंथ्स में आपके क्लास होंगे लगभग 25 के आसपास और उसमें आपके बेसिक वोकैबुलरी 3000 के आसपास यहीं से हो जाएंगे ठीक है। तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, बस जो बोलूं उसको आपको शांति से काम करते हुए चलते जाना है, जो बोलूं उसको बस आपको क्या करना है, चलते जाना है करते हुए ठीक है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को। आइए बात आगे बढ़ाते हैं, अब आपके सामने बेटे ये 3 क्वेश्चन आ गए, अब इन 3 क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या सही है क्या गलत, एक बार ट्राई करो।
इन तीन क्वेश्चन में क्या आपको सही लग रहा है एक बार आप बताइए, सभी लोग ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करें। देवदेव कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड राइट है, ओके और बाकी बाकी बोले कि क्या विचार टू एंड थ्री। ऑल करेक्ट है शायद, जयकाम को ये लग रहा। जयकाम तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। He told me about it, word to word, word forward word. I am agree with you. I agree with you, Huga. He entered into the class. Into हट जाएगा। अब देखो क्या चक्कर है। पहली बात, बोलचाल की भाषा में बहुत सी चीजें हमें यहाँ की सही लगती हैं जबकि ये गलत है, वो ध्यान रखना है। वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड ये दोनों गलत होता है, सही होता है वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, अग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आएगी नहीं, तो ये सीधे सीधे होगा आई अग्री विद यू। तीसरी बात, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या है कि एंटर के बाद इनटू नहीं आता, एंटर के बाद इनटू नहीं आता। ही एंटर्ड इनटू द क्लास गलत होगा, ही एंटर्ड द क्लास मतलब मैं यहां पे कह दूं नो प्रीपोजिशन। एंटर के बाद इंटो नहीं आता, नो प्रीपोजिशन। ठीक है जी, यहां तक ये बात समझ आई। तो जब हमने इन तीन सेंटेंस को देखा तो हमें एक आइडिया दिमाग में मेरे आया, एक विचार आया कि शब्दों को हमें लगता सही है लेकिन कई बार वो होते गलत। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बोलचाल की भाषा में बड़े धड़ल्ले से यूज होते हैं और हम इनको ठीक मान के चलते हैं जबकि ये
गलत हो गया। चलो बेटी बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये भी 3 सेंटेंस हम देख लेते हैं। बताओ क्या होगा यहाँ पे, एक बार आप ध्यान से ट्राई करो। हाँ जी प्रतिष्ठा, बहुत बढ़िया, ये हुई बात। अब क्या दिख रहा आपको यहाँ पे, वैल्यूएशन कोई और नहीं होता, बाउंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी गलत है, इस तरह से अस भी गलत है, अकॉर्डिंग टू हिम या हर या देम ये ठीक है। माई सेल्फ राज, तीसरी बात क्या हो गई बेटे, माई सेल्फ अकेले नहीं आता, हमेशा आई के बाद आता है। माई सेल्फ अकेले कभी नहीं आता, हमेशा ही आई के बाद आता है। माई सेल्फ राज गलत है, क्या होना चाहिए, आई एम राज, दिस इज राज, माई नेम इज राज, ऐसे करके होगा। ठीक है, बताओ भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जो हम सुनते हैं, जो चलता है वो सब गलत होता है कई बार, और जो सही होता है वो कुछ और ही है। आपके सामने ये सब चीजें दिखी, ये आँख खोलने के लिए काफी थी। अब हम शुरुआत करते हैं आगे की पढ़ाई लिखाई की। ध्यान से देखो, हमें शुरुआत बिल्कुल बेसिक से चलना, एकदम शुरुआत से। अगर आपको एकदम नहीं पता अंग्रेजी तब भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम यहाँ से 0 से चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। भाई ये सबको पता है इसलिए हमने नहीं बताया, लेटर है ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 26 लेटर से मिलते हैं, वर्ड बनते हैं, कहानी यहाँ पे हम करेंगे यहाँ से। इसको ध्यान से आप पढ़ो अच्छे से, एक बार सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। मैं नाम देख पा रहा हूँ, प्रतिष्ठा, प्रीति यादव, साहिल कुमार, खुशबू, जयकांत, दिशांत मिश्रा और देव। देव बेटे आपका नाम देव देव लिखा है, इसके मैं आपको देव देव कह रहा हूँ, है ना, देवों के देव, है ना, देवों के देव, है ना, देव देव आपने लिखा है ना, इसलिए डी डी लिखा हुआ।
चलिए ध्यान से आप इसको पढ़िए। ध्यान से आप इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? A letter or group of letters with complete meaning। एक letter या group of letters जिसकी meaning complete हो, उसे क्या बोलते हैं? Word बोलते हैं। जैसे है AI, cat, pen, diligent, ये सब आपके पास word हो गए। Diligent में परिश्रमी होता, आपके पास एक word पता चल गया आपको। एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं, ये आपके चीजों को, दिमाग को खोलेगा। इसको ध्यान से आप चारों एग्जांपल को देखो। एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। तो क्या हो गया? This is for you, के लिए। I went to him for he brought some news from my father. For यहाँ पे आ गए, क्योंकि के सेंस में। He worked there for 3 years, 3 साल तक, अब के सेंस में। He has been working here, working there for 3 years, 3 साल से वो काम कर रहा है आपके पास यहाँ पे, किया है। बताओ, तो एक शब्द के चार मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वन वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो वो चौकन्ना रह के समझना पड़ता है चीजों को। एग्जांपल कुछ मैं लेता हूं, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर का, मैंने एग्जांपल ले लिया राइट का, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं FAIR, फेयर का। मैं एग्जाम्पल ले लिया JUST, जस्ट का। एक वर्ड मीनिंग कई सर। वाटर माने क्या हो गया? एक तो आ गया वाटर माने पानी, और एक आ गया वाटर माने सींचना। राइट माने अधिकार, दाहिना, और ठीक या सही। फेयर माने न्याय पूर्ण होता है, न्याय पूर्ण। और एक हो गया फेयर माने पूरा। जस्ट माने तुरंत, और एक हो गया न्याय पूर्ण। एक बार आपके मैसेजेस आ जाते तो मुझे लगता है कि हाँ, आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है।
ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, हमें पढ़ना है मेनली आज फ्रेज को, जो समझना अच्छे से। फ्रेज माने बेटे क्या होता है, दो या ज्यादा फिक्स्ड वर्ड्स का ग्रुप जिसकी मीनिंग फिक्स होती है उसको फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग आप नहीं कर सकते, कोई दूसरा वर्ड आप उसके जगह पर नहीं लगा सकते, जो है वो वही है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं, इन द आफ्टरनून है, एट डॉन है, लुक इन टू है, लुक आफ्टर है, फॉर गुड माने हमेशा के लिए, एट टाइम्स माने कभी कभी, ये सब एग्जाम्पल हमारे पास हो गए फ्रेजेस। ठीक, अब देखो फॉर गुड माने, जब मान लो एक सेंटेंस कहीं पे आया, खुशबू, अगर तुम्हारे पास सेंटेंस कहीं पे ऐसा लिखा मिला, शी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, तो तुम पहले तो यही मतलब निकालती ना कि वो अच्छे के लिए इंडिया छोड़ दी। शी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड माने वो अच्छे के लिए इंडिया छोड़ दी, तुम तो मतलब यही निकालोगी ना। लेकिन यहाँ क्या मतलब निकल के आ गया, यहाँ मतलब कुछ और ही आ गया। तो सोचो, हमने मतलब निकाला कुछ और, यहाँ मतलब कुछ और इसलिए आ गया क्योंकि हमें ये पता नहीं था। तो कुछ फ्रेजेस पता चल जाएंगे इस वजह से, आपको सुविधा हो जाएगी बाद में, और कुछ फ्रेजेस बेटे ऐसे होते हैं जो भाई पता होना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। तो शी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड माने वो इंडिया छोड़ दी हमेशा के लिए, तो ये आपको मतलब निकालने में हेल्प करेगा, कोई भी चीज समझने में हेल्प करेगा, फ्रेज की जानकारी हो जाए तो। अब आप देखो ध्यान से, ये बिल्कुल नोट्स के रूप में है इसलिए आपको ये कुछ लिखना नहीं है, बस देखते जाओ, समझते जाओ, फिर पीडीएफ फ्रेज का आपको मिल जाएगा लास्ट में, ऐप पर अवेलेबल रहेगा पीडीएफ, बस आप वहां से इसको बाद में देख करके नोट कर लेना मन करेगा आपका। तो लिटरल फ्रेजेस मतलब शाब्दिक अर्थ वाले फ्रेज, जैसा शब्द उसी से मिलता जुलता अर्थ, इन द मॉर्निंग सुबह, इन हरी जल्दी में, मेक अ नॉइज शोर करना, ऑन फुट पैदल, ईच अदर एक दूसरे, टेक एडवांटेज ऑफ फायदा उठाना, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, इन फैक्ट वास्तव में, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सब फ्रेजेस हैं। और इन सब फ्रेजेस का मतलब क्या निकल के आ रहा, शब्द वही जैसा इनका अर्थ निकल के आ रहा। ठीक है भाई, इन द मॉर्निंग, इन अ हरी, मेक अ नॉइज, ऑन फुट, ईच अदर, टेक एडवांटेज ऑफ, गेट रिड ऑफ, इन फैक्ट, और वास्तव में, मतलब, और फॉर अ वाइल माने थोड़ी देर के लिए बैठे, ये सब सारे वर्ड्स हो गए जिनका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जैसा शब्द है वैसा ही इनका अर्थ, कोई अंतर नहीं आ रहा, बट ये है कि हाँ कहीं पे ऑफ लग रहा है, कहीं इन लग रहा, कहीं अ लग रहा, तो वो लगेगा, वो ध्यान रख के चलना है, वो लगेगा ही लगेगा। आगे, इन डिटेल, अ कपल ऑफ, बाई चेक, इन कैश, ऑल ऑफ अ सडन, बोस्ट ऑफ, प्रायर टू, ठीक है, जेलस ऑफ, एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद समबडी, डील इन समथिंग, डील विद समबडी, ये सब आपके पास आ रहे हैं, ये आएंगे। विस्तार से बोलना है तो इन डिटेल बोलना पड़ेगा, विद डिटेल नहीं बोलना पड़ेगा। अ कपल ऑफ माने कुछ या थोड़ा, बाई चेक तो चेक से,
ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया लिटरल फ्रेज, मतलब जैसा शब्द दिख रहा बेटे वैसे ही मतलब है। बोस्ट ऑफ माने प्रशंसा करना, हमेशा ऑफ आएगा। जेलस ऑफ, ईर्ष्यालु होना। प्रायर के साथ हमेशा टू लगेगा, प्रायर टू माने क्या हो जाता, पहले हो जाता। ऐसे करके आज दूसरे पे चलते हैं, खतरनाक है ये। इडियोमेटिक फ्रेज मतलब क्या हो गया, मुहावेदार अर्थ वाले फ्रेज बेटे, जिसका मतलब हो गया शब्द कुछ और होगा और अर्थ कुछ और होगा। इडियोमेटिक फ्रेज माने मुहावरेदार अर्थ वाले फ्रेज, शब्द कुछ और अर्थ कुछ और। एप्पल ऑफ वन साइड, वेरी डियर। एप्पल बाय ऑर्डर, क्रम में। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। एट सिक्सेस एंड सेवंस, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। कीप एन आई ऑन समवन, निगरानी करना। टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना करना। नाउ एंड देन, कभी कभी, समटाइम्स। कैच रेड हैंडेड मतलब क्या हो गया, अपराध करते हुए पकड़ना। ठीक है, चाहे तो ये आपके पास, ये आपके पास चीजें आ गई हैं और आप इसको आराम से जज कर सकते हैं कि भाई देखो कैसे है क्या है। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये बेटे आपके पास idiomatic phrase हो गए, मुहावरेदार phrase, मुहावरेदार अर्थ वाले phrase। शब्द कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है। जैसे apple of one's eye माने बहुत प्यारा। अब मान लो कोई बोले कि she is या he is apple of her parents' eyes। मान लो मैं कहता हूं कि देव अपने पेरेंट्स की आंखों के तारे हैं। देव इज एप्पल ऑफ His parents' eyes, लेकिन क्या देव की आंखों के तारे भी उनके पेरेंट्स हैं? नहीं, उनके आंखों के तारे कोई और होंगे। आज कोई और तारा है, 10 दिन बाद कोई और तारा होगा। हैं भी बहुत प्यारे लगते हैं बहुत से लोग, फिर पता चला जब तक ध्रुव तारा नहीं मिलता है ये तारे बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं थोड़ी सी परेशान करती हैं, ये चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी परेशान करती हैं, तो आपको ध्यान रख के चलना है धीरे धीरे। क्लियर होगी सारी बातें यहां तक? अब देखो ध्यान से, ये है बेटे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब बच्चों क्या हो जाता है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। जैसे आपके पास तीन एग्जांपल आ गए लुक के ऊपर, लुक आफ्टर, लुक इन टू, लुक फॉर, तो सबकी मीनिंग आप देखो चेंज है कि नहीं है। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इन टू जांच पड़ताल करना, लुक फॉर तलाश करना, कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल ऑफ और कॉल अपॉन। कॉल ऑफ में ओ डबल एफ होगा। आपके पास इतने आ मतलब मिलना, कॉल फॉर डिमांड करना, कॉल ऑफ कैंसिल करना, रद्द करना, कॉल अपॉन बोलने के लिए आमंत्रित करना। आ रहा भाई सब आपके पास ये सब? है ना सारी बातें डन? तो ये बेटे आपके पास हो गया फ्रेजल वर्ब्स, शब्द कुछ और अर्थ कुछ और, ये भी पूरी तरीके से वोकैबुलरी है। यहाँ पे ध्यान में रख के चले हैं। प्रीति यादव, आप मैसेज करिए चैट फैकल्टी पे, है ना बेटे, चैट फैकल्टी पे मैसेज करिए। प्रतिष्ठा, खुशबू, प्रीति, साहिल और देव, अंग्रेजी वाले मुझे यही चार पांच लोग लग रहे हैं, और चूंकि जयकाम का ये हो चुका है। ठीक है, ओके जी। तो बेटे आप लोग थोड़ा सा रेगुलर एक्टिव रहिए, मैसेज वर्क करते रहिए, राइट। प्रीति बेटे नोट नहीं करना है, मैंने बताया शायद आप सुन नहीं पाई, मैंने कहा कि ये सारी चीजें नोट्स ऑलरेडी हैं, बस देखते जाओ इनको आप, फिर क्या होगा शाम तक आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
और फिर आप उसको देखना जो आपका दिल करे नोट करना, नहीं तो सब यहाँ नोट हो जाएगा, बस काम खत्म। और ये तो खुद ही नोट्स एक प्रकार से ना। हाँ जी पीडीएफ मिल जाएगी साहिल कुमार, शाम तक पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो नोट नहीं करना, केवल आपको समझना है। कॉल फॉर डिमांड करना, कॉल ऑफ कैंसिल, कॉल अपॉन इनवाइट करना, बोलने के लिए टेक ऑफ फ्लाइंग या कपड़े उतारना, उड़ना उड़ाना या कपड़े उतारना, तो टेक ऑफ होने इनफैक्ट उड़ना होता है। गेट इन या गेट इन टू माने ट्रेन या बस में चढ़ना, गेट ऑफ या गेट डाउन माने डिबोर्ड ट्रेन या बस से उतरना। अब देखो ध्यान से अपनी बात यहाँ पे आ गई। अब बॉल आपके कोर्ट में, क्या करना है आपको, हर एक जगह पे आपको बताना है कहाँ पे फ्रेज है। इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपको बताना है यहाँ पे फ्रेज कहाँ पे है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट बेटे फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ, पूरब में द भी आएगा। आप सोचेंगे पूरब का ईस्ट हो गया, मे का इन हो गया, तो इन ईस्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन पता चला कि नहीं वो तो गलत है, इन द ईस्ट पूरा होगा। साहिल कुमार प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि स्पीक पास कर लो फॉर क्लियर ऑडियो आ जाएगा सर। नहीं मतलब आपको आवाज मेरी कम सुनाई दे रही है ऐसा साहिल, मतलब ऑडियो क्लियर नहीं है बेटे। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है आपके एरिया में, इस वजह से भी आवाज कम सुनाई देती है। अगर ऑडियो क्लियर नहीं होगी मेरे एंड पे तो सबको दिक्कत आनी चाहिए। मैं आपके सामने ही पर सबसे पूछ ले रहा हूँ, प्रतिष्ठा, प्रीति, खुशबू, देव, आप लोग अगर बताइए ऑडियो क्लियर है या नहीं है। प्रतिष्ठा कह रही क्लियर है, खुशबू कह रही थोड़ा इशू है। अच्छा खुशबू को थोड़ी सी क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है, प्रीति यादव भी कह रही क्लियर है। अच्छा आप बताओ इसमें अगर आवाज सोर्स से कोई चीज गड़बड़ होगा, मान लो गंगा की नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, वहां से पानी निकल रहा है, ठीक है, और कई लोग हैं जहां पे पानी जा रहा है, मान लो उत्तराखंड में कोई है बोला कि पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं कोई कमी नहीं है, कानपुर में कोई है बोले सर पानी वहां से साफ निकालो, पानी अच्छा नहीं आ रहा, मेरे पास समझ में आ रहा आपसे, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो मैं बोलूंगा यार यहां से तो पानी साफ सुथरा जा रहा है, बस दिक्कत आपके एरिया में हो सकती है। चलो बेटे कोई नहीं, आप हाँ साहिल कुमार मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बताइए एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार बेटे बोलो। सर वो आवाज बिल्कुल वो गूंज सी रही है, जैसे हॉल में बैठ के नहीं वो बोलते तो ऐसे आवाज आ रही है गूंज। हाँ वो आज की दिक्कत रहेगी, आज की दिक्कत खाली है इस समस्या से, आज आप केवल थोड़ा सा वो कर लें, आज या हो सकता है एक आध दिन और, बाकी सब व्यवस्था सही हो जाएगी। कुछ सेटअप तैयार हो रहा है, उस सेटअप के चक्कर में मुझे क्लास कहीं और से मैनेज करना पड़ रहा बेटे, है ना। ठीक है सर, थैंक यू, अदरवाइज ये हो जाएगा सही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराओ मत इसको लेके, है ना। ठीक 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 चलो ये बढ़िया रहा, अच्छा लगता है जब आप लोग कोई भी इशू हो, यही तो अच्छी बात है कि फ्रेंकली आप अपनी बात को कहो, चाहे वो पढ़ाई में समझ में कुछ चीज ना आए, चाहे कोई दिक्कत हो, तो आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। हाँ वैसे मैं एक काम जरूर करना कि आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आपको थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो साहिल तब तक थोड़ा ये ध्यान रखो, प्रीति आप भी थोड़ा ध्यान रखो, सॉरी खुशबू आपको दिक्कत तो दोनों को है, तो हेडफोन का इस्तेमाल करो ताकि जब तक ये एक दो दिन में सॉर्ट आउट प्रॉब्लम हो तब तक आपको सुविधा थोड़ी मिल जाए, ठीक है। चलिए जी बात आगे बढ़ाते हैं।
चलो जी, तो ही वेटेड फॉर मी फॉर अ वाइल, ही रिटर्न इन द इवनिंग, ही टोल्ड मी अबाउट दैट इंसिडेंट इन डिटेल, ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, इन डिटेल विस्तार से। अच्छा, वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है, ये भी एक बात है अपने आप में फिक्स्ड डेफिनेशन है। तो बेटे आप लोग इन पांचों सेंटेंसेस में फ्रेज फाइंड आउट कर पाए कम से कम, फ्रेज का आपको आइडिया लग गया कि नहीं कि फ्रेज कैसे होते हैं क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। 6 to 10, यहां भी कुछ मामला ऐसा ही है, आपको फ्रेज फाइंड आउट करना है। The thief was caught red-handed. Caught red-handed phrase हो गया, turn a deaf ear phrase हो गया मतलब अनसुना करना, kept an eye on phrase हो गया मतलब निगरानी करना, called for phrase हो गया मतलब मांगना demand करना, called on phrase हो गया मतलब मुलाकात करना। तो an eye on पूरा keep के साथ लेंगे प्रतिष्ठा, ठीक है। turn a deaf ear पूरा होगा, कैच रेड हैंडेड पूरा होगा, इडियम है तीनों ये, और गेट रिड ऑफ पूरा होगा, बाकी आपके दोनों सही है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो बात आगे बढ़ाते हैं, 11 to 15 ध्यान से आप देखो और करने की कोशिश करो। 11 से 15, strike was called off, he reached the examination hall in time, he saw me a couple of days, to a couple of bete ho gaya phrase, took advantage of maine fayda uthana phrase ho gaya, on foot paidal jana ye phrase ho gaya, on foot maine paidal, to aapka ye phrase ho gaya। बताओ 11 से 15 कोई समस्या है किसी को?
चलिए जी, अब जो भी हमने पढ़ा, मैं आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, और फिर मैं आता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार जल्दी स्पष्ट दे फिर। इन द मॉर्निंग इन अ हरी मेक अ नॉइज ऑन फुट ईच अदर टेक एडवांटेज ऑफ गेट रिड ऑफ इन फैक्ट फॉर अ व्हाइल। है अगला, इन डिटेल अ कपल ऑफ बाई चेक इन कैश ऑल ऑफ अ सडन बोस्ट ऑफ प्रायर टू जेलस ऑफ एंग्री एट समथिंग और विद समबडी और डील इन समथिंग या विद समबडी। एप्पल ऑफ वन साइड एप्पल पाई ऑर्डर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एट सिक्सेस एंड सेवेंस कीप एन आई ऑन टर्न अ डेफ ईयर नाउ एंड देन कैच रिडंडेंट। इडियम्स वाले फ्रेजल वर्ब्स हो गए, हमें फ्रेजेस हो गए और फ्रेजल वर्ब्स हैं लुक आफ्टर लुक इनटू लुक फॉर कॉल ऑन कॉल फॉर कॉल ऑफ कॉल अपॉन टेक ऑफ गेट इन या गेट इन टू गेट ऑफ या गेट आउट। चलिए थ्री सेंटेंसेस का तो करेक्ट करना है, करेक्ट दी सेंटेंसेस जल्दी से देखो और करेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया प्रीति, क्या बात। जैसे ही हमें ये दिखे, हमारे पास कुछ क्लू दिखा, प्रायर वर्ड हमने कहीं देखा था शायद, फिर हमने बोस्ट देखा, फिर हमने एंग्री देखा और वॉइस को देखा। ये आपको क्लू की तरह काम करेंगे अगर आपके दिमाग में चीजें हैं तो प्रायर के बाद हमेशा टू आता है, यहाँ पे प्रायर के बाद टू लगा दो, बोस्ट के बाद ऑफ आता है बोस्ट ऑफ लगा दो, एंग्री विद आता है यहाँ पे यार अपॉन के बदले विद लगा दीजिए, एंग्री विद द बॉयज ही बोस्ट्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स ऑल दिस हैपेंड प्रायर टू 1971 वॉर। बताओ, डन ये तीनों चीजें, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम में मन होगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ग्रामर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ये जैसे करेक्ट ही सेंटेंसेस था। अब आप ये मानो कि स्पॉट द एरर आता है, गलती कहाँ पे है, खाली आपको ये स्पॉट कर लेना है, मतलब ढूंढ लेना है, करेक्शन नहीं करना, गलती कल आपको ढूंढ लेनी कि भाई कहाँ गलती है, वो कर लो अपना काम हो जाए। गलती आपको केवल ढूंढ लेनी है।
ही डील्स ऑन, आपके यहाँ पे आएगा डील्स इन इंपोर्टेड कार्स, एंड आई प्रेफर टू पे बाई कैश, बेटे बाई कैश ना, के यहाँ पे क्या आएगा इन कैश आ जाएगा। आपको याद आया कि नहीं आई? हाँ जी, बाई कैश नहीं होता प्रतिष्ठा। देखो ध्यान से, वापस चलते हैं, क्या पता शायद दिमाग में चीजें आ रही हैं आपके। एक बार देख लो इसको, नजर मारो यहाँ पे। बाई चेक है, इन कैश है, और डील है तो इन समथिंग है, और विद समबड़ी। एंग्री है तो समबड़ी के साथ विद, और समथिंग के साथ एट। यहां से चीजें आपके पास क्लियर हो गई होंगी अब तक, ठीक है? तो पता चला कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हमने अभी सिंपल सी बातें पढ़ी, कल हमने देखा कि इंग्लिश में क्या चीजें हैं, कैसी आती है, और हमें उसके हिसाब से कैसे काम करना है। बस हमने खाली हमने ये वाली बात देखी, और उसके बेसिस पर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हमें पता चल गया। बाय कैश हो गया, यस हमें, और इन चेक हो गया, इन इन कैश हो गया, बाय चेक हो गया, ऐसे करके डील इन है। क्लियर हुई सारी बात? चलो एक काम करते हैं, 9 सेंटेंस आपके सामने और हैं, जल्दी से आप इनमें बताइए आपको फ्रेजेस कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, फटाफट एक लास्ट ये कर लेते हैं, ताकि आज की क्लास का पर्पस जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत आपको ना। देखा जाए भाई, साथ साथ चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। गुड, इन द मॉर्निंग फ्रेज हो गया, इन अ डिलेमा माने दुविधा में फ्रेज हो गया, एट टाइम्स माने कभी कभी फ्रेज हो गया, लुकिंग इन टू फ्रेज हो गया, इन द अलमीरा, सॉरी सॉरी नॉट इन द अलमीरा, ये कोई फ्रेज नहीं है, ठीक? क्या हो गया? लुकिंग फॉर, तलाशना फ्रेज हो गया, लुक्स आफ्टर देखभाल करना फ्रेज हो गया, मेड एन एफर्ट प्रयास करना फ्रेज हो गया, इन अ हरी जल्दी में फ्रेज हो गया, ठीक? और एक यहाँ पे और भी, पे अटेंशन टू, ये भी फ्रेज हो गया, और सो दैट फ्रेज हो गया। सो दैट का मतलब हो जाता है ताकि। अब मुझे ये बताओ, जब भी आप कोई चीज पढ़ोगे तो अब ऐसा तो नहीं कि आपको परेशानी होगी कि क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका, क्या नहीं आ रहा? अब तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना पढ़ के, अर्थ निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, आराम से समझ सकते हो कि हाँ भाई क्या मतलब निकल के आ रहा, क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा। चलो प्रतिष्ठा को दिक्कत नहीं आएगी, ये सब कह दिया इन्होंने। प्रीति, खुशबू, देव और साहिल, व्हाट डू यू थिंक? आई होप आपको ये फ्रेज और फ्रेजल वर्ब्स को डिफरेंशिएट करके समझने में और चीजों का अर्थ प्रॉपर तरीके से निकालने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए फिलहाल। खुशबू को क्लियर है? खुशबू कहाँ से हैं आप? प्रतिष्ठान, खुशबू, ओनली टू गुड मैसेज। व्हाट अबाउट प्रीति? प्रीति एवरीथिंग फाइन? अच्छा, खुशबू उदावत राजस्थान से, उदावत। मुझे लग रहा है उदयपुर के आसपास से हूँ क्या, तुम लग रहा है पाली डिस्ट्रिक्ट। ओके, पाली तो मेरे ख्याल से जोधपुर के पास में आ जाता है, क्यों ऐसा है खुशबू? एवरीथिंग इज फाइन प्रीति, चलो बढ़िया है। ओके पाली, और वहीं पे कहाँ पे एक औसियां है, औसियां के पकौड़े बड़े फेमस है वहां पे, शायद नहीं कोई औसियां जगह है वहां पे जोधपुर? चलो बढ़िया है खुशबू, जोधपुर अच्छी जगह है, मतलब बढ़िया जगह है, मुझे तो बड़ी अच्छी जगह लगी।
शांत। अच्छा बढ़िया, ठीक ठाक। चलो ठीक है, फिलहाल तो बाकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और सबका मन पढ़ने में लगे, सब दिल दिमाग से पढ़ें। इंग्लिश में 25 में कम से कम 22-23 के ऊपर आपका सही क्वेश्चन हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।